कि उन चार बच्चों की देखरेख कौन करता, उन चार बच्चों को उन्होंने अगर एक माँ तो क्या ही कहलाने के लायक है वो, लेकिन अगर एक माँ को उन्होंने बेल दी है उन चार बच्चों की उसमें, तो उन चार बच्चों को देखते हुए मैंने बोला उनको और उन्होंने हाँ भी बोला। मैंने कहा सर शायद हो सकता है कि उन चार बच्चों को देख के आपने बोल दिया होगा कि भैया ये कब तक वहां रहेंगे जब तक ये वो, पर मैंने कहा एक ये भी तो हो सकता था ना, उस टाइम पे आप बेल देने से मना कर देते तो बच्चे जल्दी डिपोर्ट हो जाते, तो वो पीछे मुड़ के हंसने लगी कि हो भी सकता था, इट विल बी पॉसिबल। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त उनको तो नहीं ना पता था कि एपी सिंह जैसा इंसान आ जाएगा, दरिंदा नुमा इंसान आ जाएगा, जानवर नुमा इंसान आ जाएगा, जो इस केस को इस तरह से डील करेगा कि मामला सारा सत्यानाश हो जाएगा। उनके जेहन में तो ये बात बिल्कुल भी नहीं थी, उनको तो ये था कि चलो अभी बेल मिल जाती है तो कानून ने अपना हरकत करनी है और मामला सारा ठीक होगा, कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये एपी सिंह की एंट्री होती है तो सारे मामला खत्म हो जाते हैं। हेमंत सर तो वैसे ही जो है ना वो पीछे जाके छुप गए कि ये तो हुआ क्या है, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, उनके तस्वुर में भी नहीं होगा कि ये एपी सिंह जो है वो आएगा और ये सारा तमाशा रचाएगा। और जिस लेवल पर बात हुई है, मुझे उनकी सबसे अच्छी बात एक लगती है, एक तो उनका धीमा मिजाज है, वो बात करते हैं सोच के बात करते हैं कि मुझे ये बात करनी है या नहीं करनी, बेबंगे दहल बात नहीं कर देते, फजूल बात नहीं करते। सेकेंड देखिए, आप उनसे पाकिस्तान के बारे में बात करें तो वो इतना पोलाइट सा, इतना लीनियंट सा बिहेवियर उनका होता है कि क्या है, वो अपना मुल्क है, वो अगर उस मुल्क को कोई बुरा कहेगा तो गलत है। इससे पता लगता है कि उस शख्स के विचार कितने हैं, वो एक कानून का ना सिर्फ रखवाला है बल्कि कानून को समझता है, और ये समझता है कि हर इंसान, हर मजहब और हर मुल्क की एक इज्जत होती है। आज मैं लाइव में बात कर रहा था कि मुझे अगर दो पर्चा मिले ना इंडिया का और पाकिस्तान का, सर नीचे देखिए बलोच भाई लिख रहे हैं, वफा बलोच लिख रहे हैं, सीमा ने शादी का 8 लाख पुलिस को मिला, 8 लाख शादी की जो शादी करवाई गई वो 8 लाख रुपए, और इनसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, मैं आपको ये बता दूं पूरी जानकारी आपको इनसे मिलेगी। और कभी अगर वो चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, वो नहीं चाहेंगे तो फिर मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो बलोच भाई आप लिखिए, अगर मैं फैजल सर को बता सकती हूँ इस बारे में तो जरूर मुझे बताना, यस और नो लिख दीजिए आप, मैं फिर बताऊंगी, तो फिर फैजल सर को विश्वास भी हो जाएगा कि आपको कैसे पता। और देन उन्होंने एक एग्जांपल दिया, उन्होंने बोला अगर उसके सामने ना मौत आ रही होगी, उसके सामने भैया जी के सामने मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप अपने ऊपर मत लीजिए, मैं बोलती हूँ अगर उनको मौत आ रही होगी ना, वो आके यमराज को बोल देंगे कितना चाहिए तू ले जा भाई, ये पैसा मेरा मेरा है, खाने दे पहले मुझे, ना भी खाऊं तो देख लेते भैया, नहीं तो वो कह रहे हेमंत सर कहते वो कैसे बात के ले जाएगा ऊपर। ये हकीकत है, हाँ वो इतना बोला, इतना लालची है पैसों का कि वो पैसा नहीं छोड़ सकता है, कहते ना चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, नो बहन वो कह रही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, उनको ये पता है कि कहाँ तक बात करनी है और कहाँ तक बात नहीं करनी, तो जितनी उन्होंने बात लिखी है, अब इससे हमें ये बात श्योर समझ आ जाती है कि वफा ने जो ये बात लिखी है ना कि 8 लाख की बिल्कुल ठीक है, उसकी रीजन ये है कि शी नोस कि कहाँ तक मेरी लिमिट्स हैं, कहाँ तक उसको लेकर चलना है, एंड आई डू रियली रिस्पेक्ट दैट, बिल्कुल मुझे ये इसका रिस्पेक्ट है कि ये बहुत अच्छी बात है, और जब आपको बेहतर लगे, जब आप समझे कि बेहतर है तो आप जरूर बात करें इस हवाले से। अच्छा अब हम आते हैं केस के जो आज की हमारी लाइफ का दूसरा पार्ट है कि जिसमें मोमिन मलिक साहब ने आकर मामलात को बिल्कुल बेहतर तरीके से सामने कर दिया, बिल्कुल बेहतर तरीके से बता दिया कि मजहब के नाम पर शादी का कोई जवाब नहीं है, और उत्तर प्रदेश में जो कानून है उन्होंने कानून को ना सिर्फ पढ़ा बल्कि इंग्लिश में पढ़ा, फिर उसके बाद उर्दू में उसके ट्रांसलेशन और एक्सप्लेन किया, तो वो उन्होंने हम सबको हर तरह से जस्टिफाई किया कि ये जो बात आप कर रहे हैं कि जी मजहब हुआ चेंज हुआ तो शादी हुई तो शादी हुई, तो चाहे वो हिंदू से मुसलमान हो या मुसलमान से हिंदू हो, जैसा कि अब हम अंजू की बात कर रहे थे, तो दोनों तरह से मजहब के नाम पर शादी करके बदल लेना मजहब को किसी तरह से भी जो है वो कानून के मुताबिक ठीक नहीं है, ठीक नहीं, इजाजत नहीं देता। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं और आपका इस बारे में क्या राय है? बिल्कुल सर, जब ये उनका स्टेटमेंट आया ना, मेरा सीधा पता, जितने सारे लोग नीचे से कमेंट करते हैं ना कि सीमा 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 लगा रखा है, मुझे सबसे पहले अंजू का ख्याल आया,
मैंने कहा अब आया सही जवाब, क्योंकि अब लोगों को पता चलेगा कि हम अगर अंजू के बारे में नहीं इतना बात कर रहे थे कि अच्छा उसने नहीं किया है, वो सब जानते हैं, जैसे इसने अच्छा नहीं किया है बट वो लीगली गई थी, इतना उसका था थोड़ा सा उसका जो एक पॉइंट बढ़ता है कि वो लीगली गई थी और झूठ बच्चे नहीं लेकर गई, और बच्चे नहीं लेके गई थी, झूठ बोल के ये भी आई है वो भी आई है। देखिए और अब जैसे उन्होंने बोला, एपी सिंह जी ने बोला कि अंजू गई इसने किसी को नहीं बताया, तो वैसे ही ये आई, इसने कौन से ढोल नगाड़े बजाए कि मैं भैया यहाँ से भाग रही हूँ, दोनों ने सेम किया है। लेकिन जो अभी उन्होंने जो बताया है कि रिलीजन के नाम पे आप अगर रिलीजन अगर चेंज करके वो बनने की कोशिश करते हैं और शादी करने के बाद अगर आप चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपका रिलीजन चेंज हो जाएगा, ये तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। और ये लिखा भी ये उन्होंने पढ़ के भी सुनाया और सबको एक्सप्लेन करके भी, जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं आया उनके लिए बाकायदा उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और मैं फिर भूल जाऊंगी, अब तीन हमारे सामने तीन वकील हैं, एक हमारे सामने मोमिन मलिक साहब हैं, एक पराशर सर हैं, एक भैया जी हैं, तो आप ये लगा लीजिए जब आपने भैया जी का कहा ना तो वकालत वाला काम ही खत्म हो गया इसीलिए तो सर अब वकालत कौन करने देगा उनको, वकालत के नाम पे धब्बा है, इसलिए भैया जी हम उनको बोलते हैं जो निठल्ले होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो मेरा भैया जी उनको ये बोलने का मतलब है, जिनको मैं बोलती हूँ तो भाई बोलती हूँ सही हो गया, जो मेरे जो जिनको मैं हाँ जो भैया जी हो जाता है, जो ऐसे लोगों के लिए भैया जी हो जाता है, वो निठल्ला जिसका कोई काम काज नहीं होता है, तो वो निठल्ला आदमी एपी सिंह है, तो वो निठल्ला आदमी है। तो इस आदमी ने कानून के दायरे में रह के हम लोगों को बेवकूफ बनाया, हम लोगों को वरगलाया, सिवा के इमोशन से खेला, बच्चों को यहाँ मंगवाया, चाहे वो जितना भी जो क्राइम हुआ है ना वो किया है। लेकिन अब रहे दो हमारे पराशर सर हैं, जब भी बोलते हैं पहले उनको आप क्वेश्चन उनको देखिए, आप वो अपना जब क्वेश्चन सुनते हैं ना वो पिन ड्रॉप साइलेंट होते हैं, बात अलग है कि मंदिर की घंटी बजती रहती है उन तक आवाज देर में जाती है लेकिन वो एकदम साइलेंट होते हैं, फिर उसके बाद उनको कोई क्राउड नहीं चाहिए, जब वो बोलते हैं तो वो एक बार पहले अपनी चेयर को बैक ले जाएंगे, सोचेंगे, तब उसके बाद वो सोच के जवाब देंगे कि इसका जवाब अगर मैं इस तरह दूंगा किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा यहाँ पे इतना अच्छा वक्ता है, केस लड़ते हैं, जिरह करते हैं, फिर भी उनको सोशल मीडिया पे सोचना पड़ रहा है बोलने के लिए। ये हुई पराशर सर की बात। अब आ जाते हैं हम बजरंगी भाईजान जी के पास। बजरंगी भाईजान जैसे उनका नाम है ना, मतलब आप क्या बोलूं मैं आपको, जैसे मैं बोल रही थी ना कि वो उछल कूद करने वाला बंदा, ये भी करना मुझे, ये भी करना है, लेकिन पूछना मत मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरा काम हो जाएगा मैं अपने आप बता दूंगा। बिल्कुल अच्छा, आप पूछिएगा नहीं, मजे की बात है, वो अगले बंदे को डांट देते हैं, जितना हो गया उतने के बारे में बात करिए, आगे क्या होगा वो मैंने करना है, फिर मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा।